चलो एक्सरसाइज 8.2 का सेकंड का सेकंड पार्ट। 1 माइनस 10 स्क्वायर 45 अपॉन 1 प्लस 10 स्क्वायर 45। आंसर इसका 1090। दूसरा आंसर है 1 इज साइन 45 और 0। जी कैसे हुआ है? वन माइनस वन स्क्वायर अपॉन वन प्लस वन स्क्वायर इक्वल टू जीरो। सही आंसर। फिनिश्ड, खत्म। ये नोट कर लेते हैं इसी का थर्ड पार्ट। चलो ठीक है, साइन 2a इक्वल्स टू 2 साइन ए। ये बताना है कि ये चीज सही होगी कब, जब a की वैल्यू, जब a की वैल्यू 0 है, 0, 30, 45, 60। ये सही कब पड़ेगा? ये साइन 2a है, मतलब a की जो वैल्यू है वो 2 से इंटू होगी। अगर जैसे एक 2 साइन a होता है, ठीक है, अंदर देखना क्या क्या होता है। अगर a की वैल्यू 30 डिग्री है तो इसका मतलब होगा 2 इंटू साइन 30। 2 इंटू साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2। इसका आंसर होगा 1। ठीक है, 30 कहाँ गया? साइन 30 की वैल्यू 1/2 होती है, ये 2 कट गया 1 होता है। अगर यही चीज है साइन 2a, अगर ये चीज साइन 2a होती तो अंदर क्या है वो देखना क्या होता, तो साइन 2 30 ऐसे होता। ये 2 जो है अब जाके एंगल से मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा साइन 2 इंटू 30 60। इसकी वैल्यू हो गई √3/2। ये अंतर है साइन 2a और 2 sin a। ठीक है, कोई दिक्कत? ये समझ में आया? ये समझ में आया साइन 2a और 2 sin a में अंतर क्या होता है? फिर आया कि नहीं आया? अरे हाँ तो बोल या ना ही बोल, कुछ तो बोल। ये 30 नहीं, ये मैंने एग्जांपल दिया है। एग्जांपल दिया है, अगर a की वैल्यू 30 है तो साइन 2a और 2 sin a में अंतर क्या है? ठीक है, समझ में आ गया? कोई दिक्कत नहीं इसमें? साइन की वैल्यू अकेले कुछ नहीं होती जब तक एंगल नहीं होगा। अब ये पूछा है साइन 2a और 2 sin a की वैल्यू इक्वल कहां पे होगी? सबसे पहले 0 रख के देख लेते हैं इसमें। साइन 2 0 इज इक्वल टू 2 sin 0। ठीक है, ठीक है, जो ऑप्शन दिया उसमें से एक पुट करके देखिए, तो ये हो गया साइन 0 इज इक्वल टू 2 sin 0। 0 इज इक्वल टू 2 इंटू 0, 0 इक्वल टू 0 बराबर आ गई। इसका मतलब ये वैल्यू 0 में सही है। नोट कर, सही है। उसकी टेंशन ना ले, तो अपना काम। अब अगला 2 10 30 अपॉन 1 माइनस 10 स्क्वायर 30। ठीक है, 10 30 की वैल्यू क्या होती है? हाँ खोल ले, अपॉन 1 माइनस 1 अपॉन √3 का स्क्वायर। ये हो गया
2 अपॉन रूट 3 अपॉन 1 माइनस 1 बाय 3, 2 अपॉन रूट 3 इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा 2 बाय 3, फिर 2 अपॉन रूट 3 इनटू 3 अपॉन 2, 2 से 2 कट जाएगा, ये 3 का मतलब यहां पर रूट 3 दो बार है, क्या समझ में नहीं आया, 1030 की वैल्यू 1 अपॉन रूट 3 रखी, 2 इनटू 1 अपॉन रूट 3 अपॉन 1 माइनस 1 अपॉन रूट 3 का स्क्वायर, नीचे हट गया, इतना सही है, ठीक है, उसके बाद ये आया सॉल्व करके, 2 अपॉन रूट 3 तो यहाँ से आ गया, नीचे बचा 1 माइनस 1 बाय 3, 1 माइनस 1 बाय 3 को सॉल्व करेंगे तो 2 बाय 3 आएगा, अब ये डिवाइड में है क्या जाएगा, उल्टा होकर मल्टीप्लाई हो जाता है, खाली इसके नीचे वाला ही होगा उल्टा ना, सिर्फ नीचे वाला पार्ट, ये फॉर्मूला होता है ना, ए अपॉन ये सब लिखा रखे हैं मैंने, ए अपॉन बी अपॉन सी अपॉन डी, ये और ये एक साथ होंगे तो ये हो जाता है ए डी अपॉन बी सी, ए इनटू डी अपॉन, और ये क्या, और एक चीज क्या होती है, ए अपॉन बी अपॉन सी, अगर इसमें बी और सी एक साथ हैं तो ये हो जाता है ए सी अपॉन बी, और इसी में अगर ए अपॉन बी अपॉन सी है जिसमें ए और बी एक साथ है सी अकेला है तो ये हो जाता है ए अपॉन बी सी, ये अंतर होता है तीनों क्या पता चलेगा, इतना हो गया, कल बताया था कि 3 का मतलब क्या होता है, रूट 3 इंटू रूट 3, 3 का मतलब 3 को हम ये लिख सकते हैं रूट 3 इंटू रूट 3, कल ही तो बता रखा मैंने, अच्छा 3 को हम ये लिख सकते हैं अंडर रूट ऑफ 9, कैसे लिया, क्यों 3 अंडर रूट ऑफ 9 3 के इक्वल नहीं होता, होता है, इस और इसको ये लिख सकता हूं मैं अंडर रूट 9 को, तो वही चीज तो किया मैंने वहां पे जो मैं बता रहा था, 2 इनटू रूट 3 इनटू रूट 3 अपॉन रूट 3 इनटू 2 मिला दिया क्या, हां सब मिला दिया, मल्टीप्लाई तो था मिला, मल्टीप्लाई नहीं तो था, मल्टीप्लाई में था तो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर एक साथ लिख दिए, हां रूट 3 से रूट 3 कट गया, 2 से 2 कट गया, आंसर बचा रूट 3, अब सेकंड के फोर्थ में रूट 3 वाला ऑप्शन कौन सा है, cos 60 sin 60 tan 60 या sin 30, किसकी वैल्यू होती है रूट 3, tan 60 की होती है, नोट कर, नोट कर जल्दी नोट, अरे एक काम कर यार, नोट कर, थर्ड क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, टेन ए प्लस बी की वैल्यू दे रखी है रूट 3, टेन ए माइनस बी की वैल्यू दे रखी है 1 अपॉन रूट 3, और ज्यादा टफ भी क्वेश्चन नहीं है, इजी क्वेश्चन है, क्या कहा है, फाइंड ए एंड बी, ए और बी की वैल्यू निकालो, कैसे होगा, या बनना शुरू हो रहा है तो क्या नहीं, क्या नहीं बोलेगा, क्या नहीं बोला, आपको ऊपर नीचे हो या क्या, अपॉन में थोड़ी लिखा मैंने, तो अलग अलग लिख रखे हैं, वो देखना सवाल में ना, बहुत इजी क्वेश्चन है, बहुत अच्छा है, देखना 10, सबसे पहले पहले वाली इक्वेशन को लेते हैं, 10 a plus b is equals to root 3 दिया हुआ है, ठीक है, 10 की वैल्यू root 3 कहां पर होती है, 10 की root 3 यहां पे, जो तुम्हारा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है ना, रेशियो जो है, तुम्हें इसको उसके बराबर बनाना पड़ेगा, यहां 10 है तो यहां पे भी 10 लाना पड़ेगा, यहां पे sin होता तो वहां पे sin लाना पड़ता, यहां पे cos होता तो वहां पे cos लाना पड़ता, अब हमारा यहां पे 10 दिया है और 10 की वैल्यू root 3 कहां पे होती है, हाँ देख लिया 10 60, अब देखना, अब जो है
ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में ना ऐसा कभी नहीं होता है कि जीरो थर्टी